दोस्तों हरफन मौला का टीजर मैंने अभी जस्ट देखा और ये रिएक्शन वीडियो उसी पर होने वाला है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब हेटर्स लोग से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप भी डिसलाइक करके निकल जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। तो जब टीजर ये स्टार्ट होता है तो जैसे आमिर खान एक चेयर पर बैठा हुआ है, एक लड़की आती है, म्यूजिक स्टार्ट होता है, फिर एक डांस होता है, डांस होने के बाद फिर एंड होने को आता है टीजर, और एंड पर एक आमिर खान टपली मारकर बस टीजर खत्म हो गया। टीजर भाई खत्म हो गया। तो क्या ऐसा होता है टीजर आजकल कि क्या शोकेश कर रहा है, मतलब हम लोग एग्जैक्टली क्या, मतलब इस फिल्म के बारे में आप लोग क्या बताना चाहते हैं हम लोग को? दिस इज समथिंग अबाउट टपली मारिंग और समथिंग अबाउट म्यूजिक और समथिंग, क्या है क्या, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। कुछ आठ दस दिन पहले एक मूवी का टीजर आया था मड़ी, तो वो टीजर देखने के बाद आप लोग को क्या लगा था? मतलब एक देखो, मैं दोनों मूवीज को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग मूवी है सब, मुझे मालूम है, बट मैं जस्ट एक लॉजिक बता रहा हूँ कि एक मड़ी मूवी में आप लोग को क्या लगा देखने के बाद, कि आपको समझ में आएगा कि ये 4x4 अपना रेसिंग के ऊपर है, जीप के रेसिंग के ऊपर है, तो क्या होने वाला है इसमें, मड के ऊपर रेस होने वाला है, मड ट्रैक के ऊपर रेस होने वाला है, तो एक बेसिक चीज आपको समझ में आए कि ये मूवी इज ऑन दिस। ये टीजर से आपको क्या समझ में आए, मतलब आप लोग क्या बताना क्या चाहते हो हम लोग को कि ये टीजर इज व्हाट दिस ऑल अबाउट, एग्जैक्टली व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। आप और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि 90s में एक मूवी आया था मोहरा, राइट, तो मोहरा में एक गाना आया था तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, काफी मतलब पेपी सॉन्ग था वो उस टाइम का, मतलब एकदम धमाकेदार मूवी था, मतलब धमाकेदार सॉरी गाना था, मतलब मूवी तो धमाकेदार था ही, गाना भी धमाकेदार था एकदम। तो उस मूवी में चीज बड़ी है मस्त मस्त पर काफी बड़ा मतलब एक ये लग गया था, बैन लग गया था कि ये गाना बैन होना चाहिए, ऐसा वैसा ये वो है। ये क्यों हो गया था? क्योंकि वो टाइम पे अक्षय कुमार कोई बड़ा स्टार नहीं था, ही वॉज अ ओके स्टार, मतलब कोई मतलब ऐसा तोप नहीं था वो टाइम पे, जैसा आज है वैसा नहीं था वो, तो उसके ऊपर आप लोग ने एलिगेशंस लगा दिया, उसकी वाट लगा दिया, ये किया वो किया, बेनिफिट तो मोहरा को ही मिला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप लोग ने उसकी बैंड बजा दी, राइट। तो आज जब आमिर खान मतलब सेम टू सेम चीज कर रहा है तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि वाओ ही इज ए परफेक्शनिस्ट, ही इज ए दिस, ही इज ए दैट, क्या बढ़िया ये किया, क्या बढ़िया वो किया, क्या मस्त है, क्या टकाटक, अरे वाह, अरे व्हाट द फक मैन, व्हाट द फक। ये टीजर देखने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ मूवी के बारे में कुछ इनसाइट्स मिल रहे हैं मुझे, या देयर वाज नथिंग मैन, देयर वाज नथिंग, कि सिर्फ मतलब एक डांस हो गया, ये हो गया, एंड वो भी डांस कैसा, मतलब आमिर खान के मतलब जैसा एक बंदा जिसको हर एक आदमी फॉलो करता है, हर एक आदमी मतलब ही लुक्स अप टू आमिर खान, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज डूइंग मैन, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज डूइंग। सो इज दिस नॉट डिमीनिंग एट ऑल, ये चीज मतलब आमिर खान करे तो राइट है और बाकी कोई करे तो मतलब गलत, और सब मतलब डांस की तारीफ कर रहे हैं, आप मस्त डांस है, क्या टकाटक डांस है। अरे जब लोगों ने, बॉलीवुड की बात करता हूं मैं, अच्छे अच्छे डांस किए तब मतलब किसी ने डांस के बारे में बात नहीं किया, अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स ने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफी किए तभी मतलब किसी ने वाह वाह नहीं की, मतलब आज आमिर खान ने आके किया तो मतलब दैट मीन्स इट्स अल्टीमेट। तो दिस वॉज डेफिनेटली मुझे मतलब ये कुछ बढ़िया नहीं लगा, देर वॉज नथिंग, मतलब जो आमिर खान का कैलिबर जो है उसके उसके जैसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस मेरी थी वो मुझे तो उसमें कुछ मतलब ऐसा फील नहीं हुआ। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और जाते जाते सब्सक्राइब लाइक करोगे नहीं करोगे कोई बात नहीं यार, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।